देखा बेटा, तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते थे। हाँ मम्मी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे पापा हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं। हाँ मम्मी, पापा हमारे साथ ही है। मम्मी अब तो बाइक भी आ गया, और आप मेरे साथ जाने से मना क्यों कर रहे हो? अच्छा, पहले तो मुझे अपनी बाइक पे कभी नहीं बिठाया। तू हमेशा बोलता था कि मैं पिंकी को बिठाऊंगा और घुमा के लेके जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, अभी भी अपनी पिंकी को बिठा और घुमाने ले जा? नहीं नहीं, पिंकी के साथ नहीं। क्यों, क्या हुआ, तेरी उससे लड़ाई हो गई क्या? नहीं नहीं मम्मी, लड़ाई नहीं हुई है। बस ये सब छोड़ो, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। अरे रोहित तू, और ये कब तक दूसरों की बाइक पर खड़ा रहेगा? स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की औकात नहीं है, और चलाए ड्रीम बाइक खरीदने। अरे बस कर, बहुत सुन लिया तेरा, मैंने सपने देखे और सपने पूरे भी किए। और रही बात ये बाइक की, तो ये बाइक मेरी ही है। ये तेरी बाइक है? और तूने ये बाइक कब ले ली? तू जब सपने में थी। I'm sorry रोहित, मैं भटक गई थी यार। क्या क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं प्लीज? सॉरी। दोस्त दोस्त तो दूर की बात, मुझे तेरी शकल भी पसंद नहीं है। चल हट। ये सब छोड़, तुम्हें पता है चैप्टर 5 का टेस्ट होने वाला है। क्या यार, मैं तो चैप्टर 5 वाले दिन क्लास ही नहीं ले पाई, मैं टेस्ट कैसे दूंगी? यार कहाँ थी तुम उस दिन? तेरे को पता है ना मम्मी पापा का, किसी ना किसी रिश्तेदार के घर ले जाते हैं। यार तेरा ना हर बार का यही है। ये सब छोड़, मैं रिवीजन करवा दूंगा। पक्का? पक्का। तुम्हारा घर तो पास नहीं है, तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? अरे आ यार, चल ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अबे यार, सारा मूड खराब हो गया आज क्लास में, मजा नहीं आया। पिंकी भी नहीं आई एक तो, और ऊपर से वो रोहित एक नई सेक्सी लड़की के साथ बैठा था क्लास में। हाँ यार बात तो सही है। अबे वो देख यार, कितनी सेक्सी बाइक है, चला फोटो क्लिक कराते हैं। अच्छा जी, फोटो शूट चल रहा है, अकेले अकेले वो भी हैं भाई। तुम्हारा भी कर देंगे यार। अबे दोबारा बेइज्जती कराने आ गया क्या तू? अरे भाई साइड हो गए तभी तो जाऊंगा। तो रोड तेरे बाप की है क्या ये? अरे भाई ये रोड मेरे बाप की नहीं है, ये बाइक मेरे बाप की है। चलो अब साइड हटो। जी तो भाई, इसने हायाबुसा कब ले ली? अबे मुझे क्या पता कब ले ली। भाई तुम सब ऐसे खेलते ही रहोगे या उस रोहित का भी कुछ करोगे? जी तो भाई एक बात बताओ, आपकी कॉलेज के अंदर इतनी इज्जत है, आप केटीएम पे कॉलेज जाओगे और वो रोहित हायाबुसा पे कॉलेज आएगा, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी कॉलेज के अंदर? जी तो भाई वैसे तो ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे आधे कॉलेज को पता चल चुका है कि रोहित ने हायाबुसा ले लिया है। अब आप अगर आप केटीएम लेके जाओगे ना, तो आपकी इज्जत ना मतलब ये समझ लो बदनाम हो जाएगी बहुत बुरी तरह से। तो कुछ तो करना पड़ेगा बाइक का। भाई उसका बाइक का तो कुछ करना पड़ेगा। भाई तुम सबसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे अंदर है रोहित के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या करें। इसमें इतना सोचने की क्या बात है, उसकी बाइक चोरी करवा देते हैं, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, इससे उसकी हवाबाजी भी निकल जाएगी सारी। लेकिन उसकी बाइक चोरी करेगा कौन? उसकी टेंशन तुम लोग मत लो भाई, मेरे पास एक बंदा है जो ये काम कर देगा। आओ। रोहित एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना।
तुम पिंकी से प्यार करते थे ना। अरे तुम भी क्या पूछने लगी, हम यहाँ पढ़ाई करने आए और पिंकी पिंकी, हटाओ ना ये सब। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे किसी भी तरह की लड़की पसंद नहीं है, मुझे बस अपनी मम्मी के साथ रहना पसंद है। फिर भी कोई लड़की तुम्हें पसंद करे तो? फिर वही बात, मैंने बोला ना मुझे किसी भी तरह की लड़की पसंद नहीं है, और मुझे कोई लड़की क्यों पसंद करेगी, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होगा। अबे ओ, जो पता है तू किससे बात कर रहा है? असलम कुरैशी बकरे के साथ साथ इंसान भी काट देता है। अगर कल सुबह तक मेरा पैसा नहीं पहुंचा ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा असलम कुरैशी कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सलाम वालेकुम भाई। असलम भाई ये काम था तो कर क्या ना। असलम भाई आपसे ही काम था वो। तो तू अपने काम के लिए मेरे पास आया है, ताकि बोल किसी भी लड़के को। भाई ये काम कोई वो लड़का नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। नहीं कर सकता हूँ? हाँ भाई। ऐसा क्या काम है तुझे? असलम भाई एक लड़का है जो बहुत परेशान करके रखा हुआ है भाई, उसके पास एक बाइक है जो बहुत महंगी है, उसे चोरी करके आप ही रख लेना। तेरा नाम क्या है बे? सौरभ भाई। सौरभ तुझे इतना मारूंगा ना यहाँ से चल के भी वापस नहीं जा पाएगा। देखो चोर दिखता हूँ मैं, अपने दिमाग में एक बात डाल ले, असलम चोरी नहीं करता। यहाँ आने से पहले एक बार तू जान लेता असलम कुरैशी कौन है। सॉरी भाई लेकिन वो बाइक बहुत महंगी है। भाई बाइक चाहे कितनी भी महंगी हो, असलम कुरैशी अपना उसूल नहीं तोड़ता। दिमाग में डाल ले ये चीज, असलम कुरैशी मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैप, फरौती ये सब करता है, छोटे मोटे काम नहीं करता। चल निकल जा अब यहाँ से वरना जा नहीं पाएगा। क्या यार तू तो कह रहा था बंदा काम कर देगा, काम हो जाएगा आसानी से, अब क्या हो गया? सॉरी यार भाई मुझे नहीं पता था कि वो किसी काम का नहीं निकलेगा। भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम लोग टेंशन मत लो, वो हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं होगा क्या? मतलब? मतलब कि उसकी बाइक जो है हमें खुद ही चुरानी पड़ेगी। भाई ये क्या बोल रहे हो, अगर हम फंस गए तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं नहीं भाई हम ये सब नहीं करेंगे। अभी तू कितना बड़ा फट्टू है। अबे जा बे फट्टू, हमें लगा तेरे में थोड़ी हिम्मत है, पर तू तो वही डरपोक ही निकला ना। भाई तुझे चलना है तो चल वरना अपनी मम्मी के पल्लू में जाके छुप जा। हाँ हाँ भाई तुम लोग जाओ, मैं फट्टू ही ठीक हूँ, मैं भाई इन सब लफड़ों में नहीं पड़ूंगा। अब इसके बस की नहीं, चलो हम ही चलेंगे। हाँ हाँ जाओ, जब फंसोगे ना तो खुद ही पता चलेगा। बहुत ऐड था ना भाई बाइक पे, सिस्टम हैंग कर देते हैं उसका, बाइक ही गायब कर देते हैं। ये खड़ी बाइक, चलते हैं चल ले चल। भाई ये तो लोक है, थोड़ा तेज से मार उड़ जाएगा। हो गया था। चलो। अरे ये लोग रोहित भाई की बाइक लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लोग रोहित भाई की बाइक लेके कहाँ जा रहे हो? बाबू अब तुम्हारे रोहित भैया की बाइक हो गई चोरी। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, मैं जाके भैया को बता दूंगा। सुन मेरी बात, तू जिसको बताना ना तू बता दे, हम यही करेंगे और यही करते हैं, गलत ही करते हैं लोगों के। चल अब निकल। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं पार्ट थर्ड के साथ। जय हिंद जय भारत।